तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा में, विजया बैंक में या देना बैंक में आपका अकाउंट है दोस्तों, तो फिक्स डिपॉजिट FD करवाने का तरीका क्या है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी रहती है और FD का फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बड़े ही आसान तरीके से। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी और भी समस्याओं का समाधान पाने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी डिटेल बहुत ही आसानी से बता रखी है, आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। और वीडियो शेयर करना देखने के बाद भूलना मत बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं FD का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2 पेज का है बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म, लेकिन घबराना नहीं है, इंग्लिश फिंग्लिश देखकर, ठीक है, हिंदी में भी होता है लेकिन इंग्लिश में भरोगे तो आसानी रहेगी और बड़े ही आसानी से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भरना है आपकी शाखा का नाम, ऑपरेटिव अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में से आप डेबिट करना चाहते हो, समझ गए ना दोस्तों। मान लो आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में और उसकी FD करवाना चाहते, उसमें पैसे हैं 1 लाख रुपये, उसकी FD करवाना चाहते हो, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए, क्लियर है। और टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर ये छोड़ देना है, ये बैंक स्टाफ लिखेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपका जब अकाउंट खुलेगा तो टर्म डिपॉजिट का जो होता है नंबर वो अलग आता है। उसके बाद आपका नाम लिखना है, कस्टमर आईडी लिखनी है, जन्म तारीख लिखनी है, पैन कार्ड लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है या आप जॉइंट में FD करवाना चाहते हो तो दूसरे अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ लिखना है, उनकी कस्टमर आईडी यहाँ लिखना है, नहीं पता है तो बैंक स्टाफ से पूछ लेना है कस्टमर आईडी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है और पैन कार्ड नंबर लिखना है, उसी तरह तीसरे अकाउंट होल्डर के लिए भी यही लिखना है। अब आइए नीचे, ठीक है दोस्तों। फॉर बेनिफिट टू सीनियर सिटीजन रेट, प्लीज़ सबमिट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर सीनियर सिटीजन के लिए हैं आप या सीनियर सिटीजन के लिए FD करवा रहे हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी हो गया। अब यहाँ पे बाकी डिटेल भरनी है दोस्तों, क्या क्या डिटेल भरनी है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट इज अंडर ऑप्शन कॉलेबल, प्री मेच्योर पेमेंट इज अलाउड। इसमें क्या होता है, प्री मेच्योर पेमेंट अलाउड होता है, आपको जरूरत पड़ती है FD तो तुलवा सकते हैं, तो इसको जरूर ये इस पर टिक कर दें। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। डेट, पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर साल लिखना है। मान लो आप 1 साल 11 महीने 2 दिन के लिए करवाना चाहते हैं तो 2 पहले लिखिए, 11 बाद में, फिर 1 उसके बाद में, इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप बैंक स्टाफ को बता दीजिए भाई मैंने ऐसा लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं होगा, पूछ के बैंक स्टाफ से यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आता है, आप अगर चाहते हो कि हर महीने आपके अकाउंट में पैसे जमा हो, मतलब टर्म जिसको बोलते हैं मंथली इनकम प्लान या क्वार्टरली इनकम प्लान, जिसको आप चाहते हो हर क्वार्टर में आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए, FD के इंटरेस्ट के पैसे, ब्याज के पैसे, तो यहाँ पर ज़रूर ऑप्शन पसंद करें दोस्तों कि किस अकाउंट में आप पैसे वापस चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा उस ब्रांच का नाम भी लिखिए। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, आप चाहते हो कि नहीं मुझे FD करवानी है, उसका इंटरेस्ट के साथ मुझे FD का पैसा मिले, तो इसमें इंस्ट्रक्शन लिखना है दोस्तों। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है देखिए, इंस्ट्रक्शन में कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद यहाँ पर पैसे जमा कर दिया जाए दोस्तों, या फिर रिन्यूअल ऑफ प्रिंसिपल, आपका चाहते हो कि 1 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए के लिए रखा हुआ है तो 1 साल बाद सिर्फ 1 लाख रुपए से आपका FD रिन्यू हो जाए और बाकी जो ब्याज का पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिन्यूअल के ऑप्शन पे टिक करना है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि रिन्यूअल के साथ, मान लो 1 लाख की FD रखी तो उस पर ब्याज 6,000 रुपये है, तो 1,06,000 से आपकी FD रिन्यूअल हो तो ये दूसरे पे टिक करना है, नहीं पता चले तो बैंक स्टाफ से पूछ लेना है, ऐसे मैंने बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अगर छोटा बच्चा है तो गार्जियन का नाम जरूर लिखना है, डिटेल लिखनी है, और कुछ सूचना देनी हो तो यहाँ पे लिख दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, नेपाली में। अब यहाँ पे आइए, आप जॉइंट में करवाना चाहते हैं, सिंगल करवाना चाहते हैं, किस तरह, सिंगल तो सेल्फ यहाँ पे टिक करिए, आप जॉइंट में करवाना चाहते हैं तो आइदर और सर्वाइवर, या चाहते हैं कि जो फर्स्ट नाम से है वही इसको डील करे, उसके मरने के बाद दूसरा वाला डील कर सके तो इस पर टिक करवाइए। अगर आप चाहते हो कि जॉइंट दोनों डील कर सके तो इस पर टिक करवाइए। अगर आप चाहते हो कि 3, 4, 5 नाम है कोई भी आकर FD को लेन देन कर सके तो यहाँ पर टिक करवाइए। अदर कुछ सूचना चाहते हैं तो यहाँ पर सूचना लिखिए। उसके बाद ये फॉर्म पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे तो अच्छा है, फर्स्ट पेज पे सिग्नेचर आपके करने रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए डेट पे ये बैंक स्टाफ भर देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, नहीं पता चले तो मैं बता देता हूँ, डेट लिखना है, कब से कब तक का होगा और रेट क्या रहेगा, स्कीम कोड ये बैंक स्टाफ लिख देंगे, आपको अगर नहीं पता चला छोड़ देना है। फिर से आपको यहाँ पे शर्त पढ़ने के बाद सिग्नेचर करना है। नॉमिनेशन का कॉलम बिल्कुल नहीं भूलना है, पैसे का मामला है, नॉमिनेशन किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, पैसे आपका डूबने का खतरा कैसा रहता है, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए जरूर देखिए किस तरह बना रखा है। हालांकि नेचर ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे टर्म डिपॉजिट लिख दीजिए, अकाउंट नंबर लिख दीजिए, नेम ऑफ नॉमिनी लिख दीजिए,
ठीक है, नाम क्या है और पता लिख दीजिए और नॉमिनी का संबंध आपके साथ क्या है, उम्र लिख दीजिए, ठीक है। ये अकाउंट नंबर आपको नहीं पता होगा, इसको छोड़ दीजिए, बैंक स्टाफ भर देगा, उनको बता देना भैया भर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर नेम ऑफ विटनेस, जो गवाह होंगे उनके सही सिग्नेचर करवाना है, नहीं करवाएंगे तो बैंक स्टाफ खुद कर देंगे, उनके सामने हो जाता है, और अगर वो बैंक स्टाफ बोले तो किसी और को और से करवा लेना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर सही सिग्नेचर रहेंगे, ऑफिस यूज के लिए ये है। इतना फॉर्म बना देता है, भरने के लिए मैंने लंबा चौड़ा बताया, लेकिन बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा कितनी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी और भी समस्याओं का समाधान पाने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।